असलम क्लास हाउ आर यू ऑल ओपन योर पेज नंबर नाइन्टी वन ऑफ़ योर एस एस टी टेक्सट बुक टूडे वी डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनट नंबर नाइन माई कंट्री सर सैद अहमद खान सर सैयद अहमद खान वॉज अ फिलासफर एन एन एक्टिविस्ट अंडर लाइन एक्टिविस्ट इसका मतलब है कारकुन

एटीन सेवनटीन एंड डाइड ऑन मार ट्वेंटी सेवन एटीन एट सर सैयद अहमद खान एक फ़िलासफ़र और कानकुन थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए हक़ के लिए बहुत मेहनत की वो सतारह अक्टूबर अठारह सौ सत्रह में पैदा हुए और सताईस मार्च उन्नीस में वफात पाई उन्होंने बहुत से स्कूल और कॉलेजेस खोले जिसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आज भी शामिल है जो कि इंडिया में मौजूद है उन्होंने मुसलमानों की बहुत हौसला अफजाई की ताकि वो तलीम हासिल करके बेहतरीन नौकरियां हासिल कर सकें फातिमा जना फ़ातिमा जना प्ले द लीडिंग रोल इन द स्ट्रगल अंडर स्ट्रगल इसका मतलब है जद्दोजहद फॉर पाकिस्तान शी वॉज अ डेंटिस्ट बाई प्रोफेसन बट शी लेव डैड टू वर्क हार्ड अलॉन्ग विद हर ब्रदर टू मेक पाकिस्तान हैपन शी आल्सो स्पोक फॉर द वुमेन राइट एंड इनक्रेज मुस्लिम वुमन टू एक्वायर एन एजुकेशन शिवास बोर्न ऑन जुलाई 1893 एंड डायड इन 9 जुलाई 1967 पाकिस्तान हासिल करने के लिए जो भी हुई फातमा जिना उसमें अहम किरदार रखती हैं वो एक टेंटिस्ट थी लेकिन उन्होंने कायदतम मोहम्मद अली जिना की पाकिस्तान बनाने में भरपूर साथ दिया वो मुसलमान औरतों के हकूक़ के लिए बोली वो जुलाई उन्नीस सौ तिरानवे में पैदा हुई और नौ जुलाई उन्नीस सौ में वफात पाई पेज नंबर नाइन्टी टू Along with Muslims, many Hindus, Christians, Sikhs, and Christian parties work very hard for Pakistan. It is because of everyone's sacrifice that Pakistan came into being. People left their family houses to be in Pakistan. In the beginning, underline beginning is Kam Agha. Many people lived in the refuge camp because they did not have any place to live. We should love our country. Our Pakistanis are our brothers and sisters, and we are a big family. We should respect each other and live in peace. Pakistan is a gift given to us from our heroes. We should be honest and good citizens of this country. मुसलमानों के साथ साथ हिंदू ईसाई पारसी और सिख शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान हासिल करने के लिए भरपूर मेहनत की ये सब ये इन सब की कुर्बानियों का ही नतीजा है कि हमें पाकिस्तान हासिल हो गया हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें सब मुसलमान आपस में भाई और बहन हैं हमें चाहिए कि एक दूसरे की इज़्ज़त करें और सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करें पाकिस्तान हमारे हीरोज़ की तरफ से हमें एक तोहफ़ा है आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस अल्लाह हाफिज़